वनडे वर्ल्ड कप का 2023 में साउथ अफ्रीका को हराकर फैंस की मौज कर दी थी। इसके बाद ढेर सारे मीम्स वायरल हुए और साथ ही वायरल हुई एक फोटो जो एक बॉलर से जुड़ी हुई थी। हालांकि इस फोटो के वायरल होने में मोहम्मद रिजवान का भी हाथ था। ये फोटो रिजवान की नमाज कंट्रोवर्सी के बाद से ही चर्चा में थी। फोटो साउथ अफ्रीका के बॉलर केशव महाराज के बल्ले की थी और वायरल इसलिए हुई क्योंकि इस पर एक खास स्टिकर लगा है। मैच के दौरान बड़ी स्क्रीन पर दिखे केशव के बल्ले पर ओम का स्टिकर लगा हुआ था। केशव के बल्ले पर पहले भी ये स्टिकर पाया गया है। वो हिंदू धर्म को मानते हैं और वो भारतीय मूल के ही केशव फिलहाल साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम का अहम हिस्सा। इंडियन टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक उनका नाता उत्तर प्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिले से है। केशव के पूर्वज करीब 150 साल पहले सुल्तानपुर से जाकर दक्षिण अफ्रीका के डरबन में जाकर बस गए थे। दक्षिण अफ्रीका में बसने के बाद भी केशव सनातन परंपरा और हिंदू धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। वो बहुत कई मौके पर इसका सबूत भी दे चुके हैं। केशव हाल ही में भारत दौरे पर आए थे और उस वक्त उन्होंने तिरुवनंतपुरम में पवित्र पद्मनाभस्वामी मंदिर के दर्शन किए। यहाँ पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की और फिर सभा को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। केशव ने 2022 में शादी की उनकी पत्नी लेरिशा मुनसामी, जो लंबे समय से उनकी गर्लफ्रेंड थी, एक कथक डांसर हैं। दोनों में लंबे समय तक एक साथ समय बिताने के बाद शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया और भारतीय परिधाम में शादी की। दोनों ने 3 साल पहले ही सगाई कर ली थी पर कोविड की वजह से शादी में देरी हुई। मैच में क्या हुआ था उस दिन मैं आपको बताता हूँ। केशव महाराज ने नीदरलैंड के खिलाफ शानदार बैटिंग की। उन्होंने 37 बॉल में 40 रन की पारी खेली थी पर इतना काफ़ी नहीं था। इसके बावजूद नीदरलैंड ने मैच में 38 रनों से जीत लिया था। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच खेला गया। साउथ अफ्रीका के कैप्टन टेम्बा बमुआ ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। 82 रन पर नीदरलैंड के 5 बल्लेबाज वापस पवेलियन लौट चुके थे, यानी टॉप ऑर्डर वाली समस्या बहुमा के सामने नहीं थी। पारी को संभालना नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने शानदार बैटिंग की। 69 बॉल में 78 रन जो बनाए सो बनाए। अपने टेलेंडर्स को क्रीज से जितना हो सका दूर रखा। हालांकि टेलेंडर्स ने टीम के लिए अहम रन्स भी बना कर दिए। बता दें रोलाय फेंडर मर्व 2010 तक साउथ अफ्रीका के लिए खेलते थे। उसके बाद उन्होंने नीदरलैंड के लिए खेलना शुरू कर दिया। दिलचस्प ये भी है कि नीदरलैंड दल के 9 बंदों की जड़ें साउथ अफ्रीका से ही। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया को हराकर आ रही टीम साउथ अफ्रीका के लिए ये 246 रन का चेज आसान होना चाहिए था पर ऐसा हुआ नहीं। साउथ अफ्रीका ने पहले विकेट के लिए 36 रन जोड़े आसानी से। क्विंटन डिकॉक पिछले 2 मैचों में शतक लगाकर आए थे, गजब की फॉर्म थी उनके साथ। 36/1, 39/2, 42/3 और 44/4 इस मैच से पहले लोग दबी आवाज में कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका तगड़ी लग रही है। 4 विकेट गिरने के बाद फिर चोकर वाले तंज वापस आ गए। डेविड मिलर जब तक टिके थे तब तक साउथ अफ्रीका के लिए कुछ उम्मीद बची थी। 31 ओवर में मिलर के आउट होने के बाद नीदरलैंड की जीत लगभग पक्की हो गई। आखिर में स्कॉट की टीम ने इस मैच को 38 रन से जीत लिया। आखिर में केशव ने शानदार बैटिंग की पर उनकी पारी टीम को जीत की दहलीज पर नहीं पहुंचा सकी। और ये सोशल मीडिया में जो केशव महाराज की फ़ोटो वायरल हो रही है और इससे पहले जो रिजवान मोहम्मद रिजवान, इसमें कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा हो गई कि पूछे मत। तो आपको क्या लगता है कि केशव महाराज जो अपने बल्ले में ओम का स्टीकर लगाए, हिंदू धर्म को इतना मानते हैं, क्या ये उनकी भावनाएं और जो उनकी सभ्यता है, उनकी चीज है, उस पर निर्भर करती है? इसमें आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।